साइट इंजीनियर्स को लेबर जैसा फीलिंग क्यों आ रहा है साइट पे? इतने सारे सिविल इंजीनियर्स जो साइट इंजीनियर के जॉब डेसिग्नेशन पे काम कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में, हमें कॉल करते हैं और कहते हैं मोर और लेस मोस्ट ऑफ यू हैव सेड कि हमें एक साइट इंजीनियर है पर हमें लेबर की तरह फीलिंग आता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लेबर्स को हमसे ज्यादा सैलरी है, हमें लेबर्स से कम सैलरी मिल रही है, तो लेबर्स आर बेटर देन अस, ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है। और हम वही साइट पे काम कर रहे हैं, सेम ओल्ड वर्क, साइट पे जाते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, मोनोटोनस वर्क बस वही कर रहे हैं, और हमें कुछ भी नया सीखने को रोज नहीं मिल रहा है, कहीं भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, और करियर ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है इसकी भी कोई समझ नहीं आ रही है। और एक तो ये जॉब बहुत रफ है, साइट इंजीनियर का जॉब में कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं, और कहीं भी रिमोट एरिया में जाना पड़ सकता है, और इन जनरल ये एक रफ जॉब है। तो उन्हें और एक रफ जॉब कर तो रहे हैं बट फिर भी हमें एक लेस वैल्यूड फील होता है, या ऐसा फील होता है कि इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा वर्क प्लेस में। तो ये सारी फीलिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ बहुत बार कॉल्स पे शेयर की है, और अगर आपकी कोई और फीलिंग्स है तो प्लीज चैट बॉक्स में अभी लिखिए कि आपको एज अ साइट इंजीनियर इस जॉब में कैसा लगता है। अब देखिए, किसी भी जॉब में दो चीजें होती है, एक होता है ऑफकोर्स आपका सैलरी पैकेज और दूसरा होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। जब ये दो चीजें साथ में अच्छे से संतुलन बना के आपकी लाइफ में आएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरा सक्सेसफुल करियर बन गया। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब एक सवाल में छुपा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है हाउ वेल डू यू नो योर प्रोजेक्ट। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, अब अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्लीज यहाँ चैट बॉक्स में लिखिए कि आप रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, लोकेशन क्या है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है। और एज अ साइट इंजीनियर या एज अ सुपरविजर एज अ साइट सुपरवाइजर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रिसाइसली जानते हैं, इसके जवाब में आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। और इसका सारा डेमो आज आपको इस वीडियो में, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो बेसिकली जो जितने भी साइट इंजीनियर्स कॉल करके कह रहे हैं कि हमें लेबर वाला फीलिंग आ रहा है, और ये जो जितने जो भी हमने डिस्कस किया कि इतने सारे जो खराब फीलिंग है, जो ग्रोथ नहीं है ऐसा लग रहा है उसका, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ ना होने का मेन कारण यह है कि सिविल इंजीनियर्स को खुद को एक अपने अलग लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा, ऑटोमेशन लेकर आना पड़ेगा इस लाइन में, क्योंकि विदाउट ऑटोमेशन बहुत मुश्किल है। एज अ साइट इंजीनियर अगर आप किसी भी साइट पर काम कर रहे हैं तो बस कुछ सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आपको भी लेबर वाला फीलिंग आ रहा है कि क्या एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है कि आपका साइट विद इन द स्केड्यूल चल रहा है, अहेड ऑफ स्केड्यूल चल रहा है या बिहाइंड द स्केड्यूल चल रहा है, या ऐसा सवाल पूछ के देखिए कि आपका कॉस्टिंग, आपका बजटिंग, क्या ये सारे नंबर्स आपको ऑन द फ्लाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आपको टिप्स के ऊपर पता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, या इन टर्म्स ऑफ यू नो टाइम मैनेजमेंट, एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीजों को ऑन टिप्स, एक्यूरेट डेटा आपके पास है कि नहीं। सो टू सम अप दिस वीडियो, आई वुड से कि डेटा इज योर स्ट्रेंथ। आपको अगर डेटा पता है अपना, अगर आपके पास सिस्टमैटिक डेटा है तो डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और चांस ही नहीं है कि आप लेबर की तरह फील करेंगे साइट के ऊपर, और आपका रुतबा भी आप बढ़ेगा, आपका रिस्पेक्ट भी लोग ऑटोमेटिकली करेंगे, और जॉब में डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर को भी लगेगा कि यार इसके बिना मेरा प्रोजेक्ट बहुत खराब हो सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है मेरे लिए। तो आपको बेसिकली ऐसे टूल्स सीखने पड़ेंगे जो आपको प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन लाने के लिए हेल्प करेंगे, और डेटा को, एक्यूरेट डेटा को ऑन टिप्स आपके पास रखेंगे। अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली आपको लेबर वाली फीलिंग नहीं आएगी। सो ओवर टू यू। देखिए, प्रोजेक्ट को समझने के लिए प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल जानना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल कैसी रहती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो फेज रहता है वो टेंडरिंग फेज, एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके पहले भी एक फेज रहता है जो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का फेज रहता है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि वो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज कंप्लीट हो चुका है और आप टेंडरिंग फेज के अंदर हो। प्रोजेक्ट टेंडरिंग है, प्रोजेक्ट बीच के उसके बीच में एक्चुअली प्रोजेक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट भी आ जाता है। टेंडर होने के बाद जब भी आपको टेंडर आपकी कंपनी को या आपको टेंडर एलोकेट हो जाता है, उसके बाद में इमीडिएटली आ जाता है प्लानिंग फेज।
तो ये प्लानिंग फेज क्या है? ये प्लानिंग फेज के अंदर आप बार चार्ट, गैंट चार्ट्स वगैरह बनाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाली एक एमएसपी का एक या प्राइमावेरा का एक मॉडल बना दिया और बाद में कोई पूछने वाला है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू मेक श्योर कि प्लानिंग फेज के अंदर और एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी होना जरूरी है कि आपने प्लानिंग कैसे किया है और आप उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हो। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट एज द 4D 5D सिमुलेशन, 4D एंड 5D सिमुलेशंस। ये फेज है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैडम ने बताया कि आपको हाउ वेल डू यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्लानिंग आपने किया हुआ है नहीं किया है, किसी दूसरे ने प्लानिंग किया है उसका आपने स्टडी किया हुआ है नहीं किया हुआ, या आप एग्जीक्यूशन आप फेज बाय फेज किस तरीके से करने वाले हो, किस तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको उसके फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ा साइट है जहां पे शोरिंग पाइल्स भी आ रहा है, एक्सकेवेशन भी है, आपका साइट का भी प्लानिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे ही बड़ा साइट है आपको अगर प्लानिंग करना है तो आपका साइट ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्लानिंग अबाउट द अनेबलिंग वर्क्स, द प्लानिंग फेज अबाउट द अनेबलिंग वर्क मीन्स आपका सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका नहीं तो आधा से ज्यादा मटेरियल चोरी भी हो सकता है, इट विल गेट यू नो स्टोलन अवे। सो दैट्स व्हाई सिक्योरिटी गार्ड्स, देन यू विल हैव द साइट ऑफिस, देन यू विल हैव द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर स्टोर द मटेरियल, एंड ऑफकोर्स द लेबर्स, वेयर एग्जैक्टली द लेबर्स आर गोइंग टू रिजाइड, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी देयर, यू आर गोइंग टू लिव द लेट्स से 4-5 years देयर इज अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, सो 4-5 years यू आर गोइंग टू लिव द लाइफ, आप जीने वाले हो 4-5 साल के अंदर, तो आपको जो भी सैनिटेशन का, पानी का, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है लाइफ में, जब यू नो अपने जीवन जीने के लिए, वो सब वहां पे रहना चाहिए। लेबर्स लोगों के लिए भी एक हैबिटेबल प्लेस में रहना, ऐसा नहीं कि झोपड़पट्टी में डाल दिया गया एंड यू नो देर इज ए यू नो सम काइंड ऑफ इन्फेक्शंस दैट आर हैपनिंग एंड लेबर्स आर ऑन वेकेशन बिकॉज ऑफ द सिकनेस, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनका लेबर्स और जो उनके भी काफी सारे नॉर्म्स रहते हैं तो उस हिसाब से उनका घर कंस्ट्रक्ट करना, एंड भले ही टेम्पररी घर हो, शेड हो, लेकिन उस तरीके से उनका रहने का इंतजाम भी होना चाहिए। जो मॉनिटरिंग फेज में एग्जीक्यूशन से पहले भी आ जाता है, एग्जीक्यूशन फेज चालू हो जाती है एग्जीक्यूशन जैसे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के पहले आपको, और दूसरी बात यह है कि कंपाउंड वॉल भी होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स आर टू बी सील्ड ऑफ। ओके, तो ये काफी सारी चीजें रहती है। दूसरा जो चीज यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है जो ट्रांसफर एंड हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट, ये जो ट्रांसफर एंड हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल ये जो फेज है श्रद्धा मैम, नाउ इन दिस पर्टिकुलर फेज प्रोजेक्ट, जैसे आपने अभी जस्ट बताया कि प्रोजेक्ट को पहचानने के लिए या प्रोजेक्ट को एक्नोलेज करने के लिए या प्रोजेक्ट को जानने के लिए प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या रहता है वो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आउटलाइन ही मालूम नहीं है कि आपको किस तरीके से खाना पकाना है या खाना बनाना है, देन ओनली विल स्टार्ट मैनेजिंग एंड विल स्टार्ट मेकिंग श्योर, ठीक से पता नहीं है कि क्या लेके आना है, कहाँ पे क्या फेज है, कब क्या बनाना है, जो भी मटेरियल लेके आएंगे उसका क्वालिटी ही मालूम नहीं है, तो वो सब कुछ एक पर्टिकुलर वे में, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं हम लोग उसको, उस पर्टिकुलर वे में आपको करना है। जैसे ये फेजेस मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं, टेंडरिंग फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज एंड ट्रांसफर एंड हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट, आप अच्छी उसको हैंड ओवर कर रहे हो कंप्लीटली, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रोड बन गया, अब आप यू नो पीपल को यूज कर रहे हो, करने के लिए दे रहे हो कि अभी आप चालू करो। ये फेजेस रहता है एग्जीक्यूशन के लिए, इसके पहले भी एक फेज रहता है, इसके पहले जो रहता है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज। बहुत बार क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेज, उसके पहले भी एक फेज रहता है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज में किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से डिजाइनिंग कर रहे हैं, वास्तु के रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहते हैं, 2D प्लानिंग रहते हैं, 2D आर्किटेक्चरल प्लान, 2D स्ट्रक्चरल प्लान, 2D MEP प्लान, 2D इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, ऐसे काफी सारे प्लान रहते हैं। 2D होने के बाद ही बाद में हम लोग 3D में जाते हैं,
ठीक है। तो ये हो गया पहले तो प्लानिंग फेज। आई अभी इस पर्टिकुलर साइट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया है, ऐसे हम लोग मान के अज्यूम कर रहे हैं। तो वो प्लानिंग होने के बाद आपका एक प्लान बन गया, बड़ा सा प्लान बन गया, आर्किटेक्चरल प्लान बन गया, स्ट्रक्चरल प्लान बन गया, एमईपी प्लान बन गया। वो प्लानिंग होने के बाद फिर अभी उसको आपको टेंडरिंग के लिए लेके जाना है। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के बाद भी और एक छोटा सा फेज रहता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का फेज। टेंडरिंग के पहले, टेंडर को आप तभी जाएंगे तब जब मालूम पड़ेगा कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है या 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एग्जैक्टली कितना प्रोजेक्ट है, कॉस्ट कितना है प्रोजेक्ट का, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो फेज जनरली वो प्री टेंडरिंग फेज में ही आ जाता है। टेंडर, एक बार टेंडर आ गया तो देन टेंडरिंग के टाइम पे क्या होता है, 2-3 चीजें रहती है। एक जो रहता है कि टाइप ऑफ टेंडर क्या है, टाइप ऑफ टेंडर ये रहता है, कभी कभी आइटम बेस्ड टेंडर रहता है, कभी लमसम बेस्ड टेंडर रहता है, कभी लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कभी लेबर प्लस मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कभी कभी पीस वर्क भी रहता है। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यानी टाइप ऑफ टेंडर प्रोसेस क्या है, यानी आप जो काम करेंगे कर रहे हैं उसका आपके मालिक को बिलिंग आने कैसे आने वाला है, वो फेज बहुत जरूरी है। जब तक आपके बॉस को इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, जब तक उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, तब तक आपको आपको उसका कंपैरेटिव बहुत बड़ा शेयर मिलने का चांस बहुत कम है। इसके लिए सैलरी इंक्रीमेंट ये वो, क्योंकि आप साइट के अंदर ही उलझे रहोगे कि आज ये लेबर आया नहीं है, आज इसका ये प्रॉब्लम हो गया, आज ये मटेरियल नहीं आया है, आज पानी में नहीं आया, आज बारिश हो गई है। देन यू आर डीलिंग विद डे टू डे वर्क से आपको थोड़ा सा ऊपर उठता है, तब भी आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, सैलरी इंक्रीमेंट्स, पोजिशनल आपका जो स्टेटस है, काफी सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएगी। इसके लिए आपको टाइप ऑफ टेंडर क्या है पहले ये जानना जरूरी है। टाइप ऑफ टेंडर जानने के बाद कि उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। टाइप ऑफ टेंडर, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े जो टेंडर रहते हैं वो रहते हैं आइटम बेस्ड टेंडर। उसका पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आइटम रहता है, या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आइटम्स और उसका रेट एनालिसिस रहता है, और आइटम बेस उसका स्पेसिफिकेशन रहता है। जैसे 1.1.2 एक पर्टिकुलर आइटम है, एक्सकवेशन है, पीसीसी है, जो भी है, वो पर्टिकुलर आइटम का स्पेसिफिकेशन क्या है, उस स्पेसिफिकेशन को पहले आप जान लीजिए। अगर आपने स्पेसिफिकेशन जाने बिना अपने काम कर दिया और बाद में बताया उसने, क्वालिटी कंट्रोल ने या पीएमसी वाले ने आपको बताया कि ये तो ये स्पेसिफिकेशन है और ये आपने कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं है, तो वो दुगना खर्चा हो जाएगा, इट विल बिकम अ रिस्क टू द प्रोजेक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, और वो स्पेसिफिकेशन में अगर बैठ नहीं रहा है तो यू मेक श्योर कि यू रिफाइंड और रीचेंज दैट स्पेसिफिकेशन, कि आपको उसके अंदर बिठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आपका फॉर एग्जाम्पल स्टील का स्पेसिफिकेशन है, स्टील वर्क करना है, आपका रेट है सपोज फॉर एग्जाम्पल 65,000 रुपीज पर टन, ये रेट है। उसके अंदर आपको स्टील खरीद के लेके आना है साइट पे और उसका बार बेंडिंग वगैरह करके भी आपको उसको इरेक्शन में लेके जाना है। मान लीजिए आपका कॉस्टिंग यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, ये सब कुछ आपका 58,000 या 59,000 में ही आ रहा है इनिशियल, यानी ये मटेरियल कॉस्ट हो गया, खाली मटेरियल कॉस्ट उतना हो गया, हैंडलिंग और ये सब कुछ करके बार बेंडिंग का भी सपोज मान लीजिए आपका एक अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपया हो गया पर टन, 2,000 to 3,000 रुपीज पर टन ये हो गया। तो आप उसके बाद में टैक्सेशन भी है, प्रॉफिट भी है, तो आप कमाएंगे क्या इसके अंदर, आप तो घाटे में जाएंगे। इट इज बेटर नॉट टू डू द वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द लॉस। लेट मी रिपीट, इट इज बेटर नॉट टू डू द वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द लॉस। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ जो चीजें हैं आप उसको थोड़ा सा, ठीक है आप पहले दिन है या 1-2 महीने के अंदर आपने ये समझा नहीं, लेकिन आप पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये टेंडरिंग फेज है, टेंडरिंग फेज के बाद रहता है प्लानिंग फेज, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेज। ये जो फेज है ना बहुत बहुत ही बड़ा फेज है, इसमें काफी लोग यानी PhD कर लेते हैं, बाप है लोग, यानी नॉट एज अ डॉक्टर PhD आई एम सेइंग, क्योंकि इसके अंदर जो है ना 4D 5D सिमुलेशंस रहता है। ये जो है 4D एंड 5D दीज आर नॉट द फेज, यस दीज आर द फेजेस बट दीज आर सिमुलेशंस। आप ये करेंगे तो ऐसे होगा और इसका ये आपका बेनिफिट आएगा, लेकिन इसमें ये रिस्क है। अच्छा ठीक है, तो रिस्क कंप्लीट करने के लिए आपने ये रूट चेंज कर दिया इधर से, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेन्नई से जाके दिल्ली, चेन्नई से दिल्ली जाना है,
तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, आप आपका चार्टर्ड प्लेन से भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो। तो हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आपको रेट है, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या उसमें प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस फेज में पता होनी चाहिए। इसके लिए आपका जो देखने का जो नजरिया है और जो जो फेज के जो काम है उसके जो छोटे छोटे, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो एनालिसिस एंड माइक्रो एनालिसिस। मैक्रो एंड माइक्रो फर्क क्या है, ये जो है ये आप आपका जो नजरिया यानी दृष्टिकोण रहता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या किस तरीके से कैसे करें, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट एज ए होल। और इस पर्टिकुलर फेज में आप माइक्रो लेवल पे, इसमें मुझे वाइब्रेटर चाहिए, इसमें मुझे आरएमसी मशीन साइट पे चाहिए, इधर पानी का होना जरूरी है, ये रिसोर्सेस फोर एम्स रहता है, फोर एम्स यानी रिसोर्सेस, मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मिसलेनियस। तो अलग अलग टाइप की ये जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं साइट पे, ठीक है, तो वो साइट पे रहने चाहिए। तो ये जो 4D 5D सिमुलेशन जो है वो बहुत ही जानना जरूरी है। उसके बाद में रहता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो तो आप क्या खाक मॉनिटरिंग करोगे? अब अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, आपको अगर पता ही नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट चालू हो के आप, आज आपका छठवां महीना है, सिक्स्थ मंथ में आप प्रोजेक्ट, यू आर बिहाइंड द शेड्यूल और अहेड ऑफ द शेड्यूल और यू आर ऑन शेड्यूल, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज रहती है एस कर्व। ये एस कर्व क्या रहता है, ये जो एस कर्व रहते हैं, ऐसे मान लीजिए अभी आप क्रिकेट के मैच भी देख रहे होंगे, एक्चुअली T20 की, जिसमें ये पहली टीम है जो आगे जा रही है, उसका ग्राफ है जिसमें ये जो है विकेट्स है, ठीक है। हाँ, तो ये पहली टीम का ग्राफ है जिसको हम लोग बोलेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट, और दूसरा जो है ये जो है ये आपका, सपोज ये ग्राफ है, ये एक्चुअल कॉस्टिंग का ग्राफ है, और ये पहला वाला जो है वो एस्टिमेटेड है, दिस इज एस्टिमेटेड। इस पर्टिकुलर ग्राफ को बोलते हैं एस कर्व ग्राफ। ये एस कर्व ग्राफ हर एक प्रोजेक्ट में आपको जानना जरूरी है कि हर एक फेज में आपको डिफरेंस वेरिएंस कितना है। एक्सकेवेशन में हम लोगों ने सर इतना कॉस्ट हम लोगों ने अज्यूम किया था, लेकिन 2 लाख ज्यादा गया है, तो 2 लाख आपको कमाना है। एक ओवर में आपको रन रेट चाहिए 8 रन, और एक एक ओवर मेडन हो गया, बॉलर इतना तगड़ा था कि विकेट जाएगी नहीं तो रन आना है, क्या चूज करेंगे आप? आपने प्रोविजन दिया कि नहीं विकेट नहीं कमानी है, भले एक ओवर मेडन हो जाए, लेकिन वो 8 रन जो है वो आपको दूसरे ओवर में कमाने, नहीं तो मैच हार गए आप, प्रोजेक्ट लॉस में जाएगा आप आपका। तो ये जो है ये कर्व जो रहती है वो एस कर्व की फेज रहती है। तो ये काफी सारे ऐसे, ये एक ही कर्व या एक ही ग्राफ रहता है ऐसा नहीं है, काफी सारे एक्चुअली उसके अंदर प्रोविजंस रहते हैं, स्वॉट एनालिसिस रहता है, अलग अलग टाइप के एनालिसिस रहते हैं। क्या क्या एनालिसिस रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के बाद आता है ट्रांसफर। आपने ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया, डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, या आपके प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट को, या PSU जो कॉरपोरेट सेक्टर्स है, या किसी किसी इंडिविजुअल क्लाइंट अगर रहेगा या MNC कंपनी रहेगी उसको आप हैंड ओवर कर रहे हो। तो हैंडिंग ओवर प्रोजेक्ट में भी ये आता है कि डॉक्यूमेंट में तो ये सब लिखा है वो हुआ नहीं है, आपने काम तो कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये फेज है, तो आप टेंडरिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, मॉनिटरिंग भी अच्छा कर दिया, लेकिन ये फेज में आपका एंट्री बैरियर लग जाएगा। एंट्री बैरियर, व्हाट इज एंट्री बैरियर? आप उस पर्टिकुलर फेज में जा ही नहीं पाओगे, फिर निगोशिएशन जा जाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया लेकिन बॉस को प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो आपको कैसे अप्रिसिएशन मिलेगा? आर यू गेटिंग मैटर? लेट मी टेल यू वन पर्टिकुलर, जो यहाँ पे हम लोगों ने खुद का एक अपार्टमेंट लिया हुआ है उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट OC यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए क्लाइंट को 3 साल दौड़ना पड़ा आगे पीछे, 8-10 लोगों की पलटन जो है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो घूमते रहते थे पूरे बिल्डिंग के चक्कर,
बिल्डिंग की हाइट मेरे ख्याल से कुछ मीटर ऊपर नीचे कुछ हो गई थी, डिफरेंट देन द गिवन इन द सैंक्शन प्लान। यानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने प्रोजेक्ट तो ठीक तरीके से टेंडरिंग किया, प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, मॉनिटरिंग कंप्लीट करके हम लोगों को हैंड ओवर कर दिया, लोग चालू भी हो गए रहने के लिए, उसको उसका पैसा भी मिल गया। लेकिन ओसी सर्टिफिकेशन नहीं होने की वजह से कुछ लोगों ने जिन्होंने फ्लैट खरीदा है उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए कि भैया ओसी सर्टिफिकेट लेके जाओ तब भी पैसा मिलेगा पूरा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग व्हाट? तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आया, एक इसमें आया। और आपको एक चीज बता देता हूं, आप जहां पे भी एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग है, भले ही आपकी L&T शापुरुषबन जो भी कंपनी है, आपके पास अगर 10 प्रोजेक्ट है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू वर्क ऑन द 20 प्रोजेक्ट तो आपको मुनाफा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोटोकॉल्स नहीं है तो 20 प्रोजेक्ट तो छोड़िए, 10 में से 5 प्रोजेक्ट भी आपको, एक प्रोजेक्ट भी अगर आपका ठीक तरीके से नहीं हुआ तो आपकी कंपनी डूब सकती है, इतना फ्रजाइल रहता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि फ्रजाइल नेचर क्या रहता है, जैसे कांच है बहुत फ्रजल रहते क्रैक आ जाता है, वैसे ही जो सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंडस्ट्री जो है वो कंपैरेटिवली बहुत फ्रजाइल रहती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, एक भी प्रोजेक्ट आपका अगर सपोज लॉस में जा रहा या जाने वाला है या जा रहा है तो उसके अंदर आपका अगर वेरियंस में आपने अगर उसको पकड़ा नहीं एंड आपने मेक श्योर नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट का कैश फ्लो एनालिसिस गड़बड़ हो रहा है, वी हैव टू मेक श्योर दैट सर्टेन चेंजेस आर हैपनिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इन टेंडर्स, देन ओनली वी कैन अगेन रीस्टार्ट दोस पर्टिकुलर आइटम्स इन द एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग फेज। जब तक आपने ये किया नहीं तब तक आपका नहीं तो पूरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फेजेस हैं जो इसके अंदर रहते हैं। इसके बाद में मैं कुछ और भी स्लाइड्स हमें दिखाना चाहता हूं। इसमें टिपिकल टेंडरिंग जो अल्गोरिदम है वो किस तरीके से रहता है, इनिशिएट किस तरीके से होते हैं, टेंडरिंग स्पेसिफिकेशंस क्रिएशंस कैसे होते हैं, टेंडर इनविटेशंस कैसे होते हैं, टेंडर एग्रीगेशंस कैसे होते हैं, टेंडरिंग के सिनॉप्सिस को हम बोलते हैं हम लोग टेंडर सिनॉप्सिस। यानी मान लीजिए आप अगर किसी इन्वेस्टर या इसी ऐसे लोगों के साथ अगर आप हो तो किस तरीके से आपका ये टेंडरिंग अल्गोरिदम चलता है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, डेवलप अ स्ट्रक्चर एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू टेंडर्स, जस्ट प्ले द प्राइस गेम, देयर आर मेनी पीपल, कितना में दोगे कितना में दोगे, इतना में नहीं इतना में 20 रुपए कम करो, 20% 5% 10%, जनरली क्या होता है ये, दिस इज बेसिकली जस्ट टू सिक्योर द वॉल्यूम, इट डोंट डू दैट। ओके, प्लीज मेक श्योर कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में और प्रोएक्टिव वे में एक अप्रोच हो जाए। ठीक है, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आप टेंडरिंग एल्गोरिथम उसी को सिखाया जाता है जो टेंडर बनाता है, लेट मी टेल यू, टेंडरिंग एल्गोरिथम उसी को सिखाया जाता है जो टेंडर बनाता है और कॉन्ट्रैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जनरली फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नमेंट सेक्टर में PWD CPWD डिपार्टमेंट भी देखे रहेंगे या NHAI भी देखा रहेगा, दोज आर क्रिएटिंग द टेंडर्स। उन लोगों को ये जानना जो बहुत जरूरी है कि जो काम करने वाला है वो आपका स्लेव नहीं है, वो एक अनदर एंटिटी है और उसको भी आपको रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि अगर वो घाटे में चला गया तो वो घाटा आपके सर के ऊपर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेंडर किया एक प्रोजेक्ट जो है वो पूरा पकड़ा गया है, उसका पूरा प्रॉब्लम हो गया है। जैसे चाइना ने जो एक प्रोजेक्ट किया था जो पाकिस्तान से जो बंदरगाह की तरफ जा रहा था उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो कॉन्ट्रैक्टर तो प्रॉब्लम में आ ही गए लेकिन कंट्री भी प्रॉब्लम में आ गई। आ रहा है समझ में? तो डिपार्टमेंट सारी जो सिस्टम्स है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये जानना जरूरी है कि राजा यानी आप जो टेंडर जो बना रहे हो उसके साथ जो प्रजा है आपकी यानी जो बाकी के जो लोग हैं वो सभी लोग सुखी, सर्वे तो सुखी में संतु, ये जो मंत्र है वो आपको रखना है कि सभी लोगों को प्रॉफिट होना है और होना है। ओके, अगर आपने उस तरीके का प्रॉफिट नहीं दिया तो उसको मालूम है कि किस तरीके से खींचना है और वो ऐसे खींचेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कोर्ट के चक्कर, डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशंस, ये वो सब बहुत झमेला रहता है। यू गो टू द हाई कोर्ट एंड पूरे प्रोजेक्ट के एकदम 3-13 और 9-12 हो जाते हैं।
ओके तो प्लीज मेक श्योर कि आपका टेंडरिंग एल्गोरिदम भी ऐसे होने चाहिए कि ये जो डूज एंड डोंट डूज है, यूज वैल्यू डिफरेंशिएशंस टू अंडरस्टैंड विनिंग एंड प्राइसिंग पोटेंशियल. ओके कि किस तरीके रेट एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, हर एक चीज का रेट एनालिसिस कि ये पर क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है उसका रेट एनालिसिस कैसे करेंगे क्या करेंगे. ज्यादा भी रेट मत करिए और एकदम कम भी रेट मत करिए, इट हैज टू बी न्यूट्रल. ओके सो ये सारे जो फेजेस है वो टेंडरिंग के जो एल्गोरिथम है उसके जो फेजेस है. विनिंग अ टेंडर डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग, मेजरली इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्राइसिंग. प्राइस का L1 L2 जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वैसा रहता है. ठीक है, लोकल कंटेंट क्या है, उसका कैपेबिलिटीज क्या है, टेक्निकल, यू नो दैट टू लेवल्स रहता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड द प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन. लेवल ऑफ एफर्ट वर्सेस प्रोजेक्ट रन टाइम, यानी फॉर एग्जांपल इनिशिएट प्रोसेस ग्रुप, अगर इनिशिएट प्रोजेक्ट स्टार्ट में कैसे करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर ये टाइम शेड्यूल है, उसका लेवल ऑफ एफर्ट्स है. ये दिस इज बेसिकली ऑन द प्लानिंग फेज. तो प्लानिंग फेज ग्रुप, एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप, एंड देन देयर इज ए क्लोजर प्रोसेस ग्रुप. सो व्हाट आर दीज एक्चुअली, दीज आर बेसिकली द एफर्ट लेवल. आपको एफर्ट लेवल कम से कम करने के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका नाम है ऑटोमेशन. इस 21st सेंचुरी में अगर आपको सिंपल एक्सेल, ऑटोकैड या सिंपल सिंपल सॉफ्टवेयर भी नहीं आते है, तो मान लीजिए कि आप लेबर क्लास ही हो और वैसे ही रहने वाले हो अगले 5-10 साल में. अगर आपको चेंज करना है तो धीरे 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 आपको ये स्टैंड अलोन टूल्स तो देखने ही है. अलॉन्ग विद दैट देर आर वेरी हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन टूल्स. जैसे हमारे कंपनी में हम लोगों ने EPMC करके एक ऑटोमेशन टूल किया है. जो मास्टर स्टडी के जो स्टूडेंट आते हैं सब लोगों को हम लोग 1-2 साल का लाइसेंस बनाते हैं और सभी लोग उसके अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, फाइल शेयरिंग कैसे होता है, फाइल शेयरिंग के टाइम पे उसका, यानी ऐसा नहीं हो कि 10 रुपए का बिल डायरेक्टर के पास साइन करने के लिए जाएगा तो वो पगला जाएगा. तो उसके कुछ हायरार्की लेवल्स रहती है. तो कुछ यानी 10,000 रुपए 50,000 रुपए का मार्जिन साइट इंजीनियर को देना है, इसको देना है, उसको देना है. वी गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी मेक देम रिस्पॉन्सिबल टू टेक इन चार्ज अबाउट द प्रोजेक्ट. ऑटोमेशन ऐसा नहीं है कि भगदड़ मच गई, चलो कोई सॉफ्टवेयर को कंपनी को दे दिया काम हो गया, ऐसा नहीं रहता है. इट इज अ प्रूवन टेस्टेड मैकेनिज्म आपको करना है. उसके अंदर AI की भी सिस्टम्स आ गए. आपने अभी भी काफी सारे चीजों में देखा रहेगा कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहीं तो कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट है, हम लोग तो सिविल इंजीनियर है, साइड पे खाली पत्थर सीमेंट स्टील यही चलता है, ये नहीं चलता है. ऐसे अगर आप दिमाग में डाल के रखोगे तो वो बहुत बड़ी भुलक्कड़ आप बन जाओगे. उसके अंदर आप बहुत बड़ी यानी आपके सामने चुनौतियां पेश कर रहे हो. आपको अपग्रेड करने के लिए ऑटोमेशन, उसके लिए ERP, ये जो है ERP बेस्ड सिस्टम्स रहती है, उसके अंदर SAP रिलेटेड सिस्टम, SAP 2000 अलग स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर उसमें, और इसमें गलत मत करना, ये अलग अलग सिस्टम रहती है. तो ERP सिस्टम रहती है, SAP रिलेटेड सिस्टम रहती है, या EPMC जैसे कई सारे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन करने के लिए रहते हैं. कि आपने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, नहीं तो फिर एक बंदा एक डिपार्टमेंट ऑटोमेशन करना पॉसिबल ही नहीं है बस. ठीक है, तो ये अगर आपको जैसे किसी कंपनी में आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक 30-50 करोड़ रुपीस कंपनी के टर्नओवर के लिए जाएंगे, तो पहले आप उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है आप उसको स्टडी करो. भैया ये प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहा हूं मैं, पहले ड्राइंग देखूंगा, पहले टेंडर देखूंगा, क्या क्या क्वांटिटीज, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो सब पहले देखूंगा. तो ये सारी चीजें आपको पहले माइक्रो लेवल पहले जानना जरूरी है, देन माइक्रो लेवल. माइक्रो यानी दूरबीन, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया वगैरह वैसे देखा है अभी अगर हम लोग कॉलेज में देखते थे, तो वो माइक्रो लेवल हो गई. माइक्रो लेवल यानी बजट क्या है, प्रोजेक्ट का बजट क्या है, कितना प्रॉफिट चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट आर यू एक्सपेक्टिंग. देर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग टू यू नो योर बॉस, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, 5%, 10%, 20%, what प्रॉफिट इट इज रीजनेबल. यू कैनॉट से दैट 5 करोड़ में से 4 करोड़ प्रॉफिट चाहिए, ये तो होगा नहीं. ठीक है, तो रीजनेबली ये प्रॉफिट किस तरीके से आएगा उसको, और ये होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए, तो ऑटोमेशन की जरूरी, ये जानना बहुत जरूरी है.
तो ऑटोमेशन के अंदर ये सारे फेजेस आ जाते हैं, लिंक्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ग्राफ अरे हर एक फेज को आप ढूंढते फिरोगे क्लोजिंग के अंदर। इस क्लोजिंग के अंदर भी काफी सारे सर्टिफिकेशन रहते हैं, ऑडिट्स रहते हैं, सिग्नेचर्स रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, काफी सारी चीजें रहती है उसमें, ठीक है। तो हर एक फेज में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में भी काफी सारी चीजें रहती है। एग्जीक्यूशन के अंदर भी काफी सारे स्पेसिफिकेशन हो गया, क्वालिटी हो गया, फिर आपका ये सेफ्टी ऑडिट हो जाता है, आईएसओ रहता है तो आईएसओ ऑडिट हो जाते हैं। तो काफी सारे लेवल को आपको फेज के अंदर आपको चेक करना है कि ये एम आई गोइंग थ्रू द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। तो ये प्लानिंग फेज के अंदर ये सारी चीज आपने देख ली। अभी इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन प्लानिंग फेजेस। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूं मैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको थोड़ा वीडियो को पॉज भी करके देख लीजिए। एक जो रहता है वो प्रोजेक्ट स्कोप वेरिफिकेशन एंड करंट स्टेट असेसमेंट, यानी क्या रहता है, ड्यू डिलीजेंस, सप्लाई एंड डिमांड, गैप एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, ड्यू डिलीजेंस यानी फॉर एग्जाम्पल ये कौन प्रोजेक्ट करेगा, कौन सप्लाई करेगा, कौन क्या करेगा, कौन फंड करेगा प्रोजेक्ट, पैसा कौन डालने वाला है, जमीन किसकी है, उसका बेनिफिट किसको आने वाला है, मार्केट एनालिसिस यानी वहां पे कंस्ट्रक्ट किए हुए पहले प्रोजेक्ट का क्या दिवाला है, वो प्रोजेक्ट होल्ड पे गए है, उसका लॉस हो गया है, तो इट इज नॉट बेटर एक्चुअली हम लोग और पैसा डाल के क्यों फंसे, ठीक है। तो ये मार्केट एनालिसिस, गैप एनालिसिस यानी उसके प्रोजेक्ट में गैप क्या था और हमारे प्रोजेक्ट में अच्छाई क्या है, वो प्रोजेक्ट फंसा क्यों और हम लोगों का प्रोजेक्ट कैसे विकसित होगा, तो ये सारी चीजें जो रहती है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर रहती है बॉस, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट को उस नजरिया आपको चेंज करना है। सैलरी ऐसे ही हवा में चेंज नहीं होती है कि बॉस को बोलेंगे मुझे 30% इंक्रीमेंट चाहिए तब भी मैं कल आऊंगा, वो बोलेगा भैया 20% डिप्रिसिएशन देके मेरे को तुम्हारे से बेटर बंदा मिल रहा है, ठीक है। ऐसे होगा, जब तक आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा तब तक आपको सैलरी बढ़ाने का आप सोचो भी मत जिंदगी में, नहीं तो वो बैकफायर हो जाता है। काफी सारे लोगों को हुआ भी है, होता भी है, ठीक है। तो अपग्रेड कैसे करें, तो हर एक फेज को धीरे 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 आपको समझना है, स्टडी करना है, ठीक है। सेकंड फेज जो है फिजिबिलिटी स्टडी एंड बजटिंग। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबल ही नहीं है प्रोजेक्ट, जंगल के अंदर ये सब मटेरियल लेके कैसे जाएंगे, लेके कैसे आएंगे, हाँ उधर तो डेजर्ट है, पानी का पूरा प्रॉब्लम है, पानी का बिल जो हमारे स्कोप में आ जाता है, पानी बिल है वो क्लाइंट को देना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल ही नहीं होगा। तो ये सारी फिजिबिलिटी स्टडी, बजटिंग, उसका पूरा एनालिसिस आपको देखना है। थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली डेवलपिंग डील स्ट्रक्चर, जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, यानी बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट, अलग अलग टाइप के ये जो मॉडल्स है वो मॉडल्स के ऊपर आपको देखना है कि इधर इतना ट्रैफिक आएगा ही नहीं तो मेरा ये प्रोजेक्ट तो लॉस ही हो जाएगा, प्रोजेक्ट मिल रहा है चलो करते, नो नो नो, डोंट डू दैट। You study first कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा उस प्रोजेक्ट, रोड का प्रोजेक्ट है तो उसका ट्रैफिक का एनालिसिस करो पहले, ठीक है। तो ये अलग टाइप का जो स्ट्रक्चरल डील है, क्योंकि क्लाइंट तो आपको पैसा देने नहीं वाला है, पैसे आप कहां से लेने वाले, जो वहां से रास्ते से जाएगा उससे पैसे लेने वाले, अब पता चल गया पाकिस्तान बॉर्डर ही है उधर तो टेररिस्ट है, तो वहां से कैसे पैसा लेके आएंगे, वो जो लोग टोल निकालेंगे उधर से ही भागना पड़ेगा उनको। तो जो प्रोजेक्ट का जो एनालिसिस है वो आपको देखना है। तो ये सारे पैरामीटर, फंडिंग अरेंजमेंट है, देन डिटेल डिजाइन एंड ड्राइंग पैकेजेस है, देन यू टेक द प्रोक्योरमेंट एंड टेंडरिंग पैकेजेस है, वो वर्क सुपरविजन एंड विथ रिस्पेक्ट टू द साइट मैनेजमेंट है। एट्थ वन इज एक्चुअली इंश्योरेंस स्टार्टअप एंड कमीशनिंग, किस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कमीशन होगा, चालू होगा प्रोजेक्ट। तो ये सारे एलिमेंट्स प्लानिंग के अंदर रहते हैं, खाली प्लानिंग डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। तो हर एक फेज का हम लोगों ने इसमें डिटेल एनालिसिस, अभी हम पूरा मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा आराम से देख लीजिए। हर एक स्लाइड्स जो है वो हेवीली इनपुट स्लाइड्स है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों ने इस टाइप्स के एनालिसिस हम लोग करते हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए। कैश फ्लो एनालिसिस, अलग अलग टाइप के एनालिसिस, अलग अलग टाइप के ड्यू डिलीजेंस, स्कोप स्टेटमेंट, गैप एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, इनपुट जो पैरामीटर्स है, इनपुट क्या है, टूल्स क्या है, वेरिएंस क्या है, आउटपुट क्या है, WBS किस तरीके से हम लोग वर्क ब्रेकडाउन शेड्यूल करेंगे, कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, तो हर एक टाइप का फाइनेंशियल मैटर्स क्या रहता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या रहता है, लिटिगेशन अगर रहते हैं तो किस तरीके से उसको सुलझाया जा सकता है,
अगर फॉर एग्जाम्पल एपीएमसी जैसा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरा केस हिस्ट्री है, भले आपको हाई कोर्ट में जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आपको मालूम है कि ये मेरे पास पूरा डाटा रेडी है, आप किधर भी जाओ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यू आर हैविंग अ लीगल लेजिटिमेट प्रूफ दैट दीज आर द एरियाज दैट यू कैन क्लेम द मनी फ्रॉम द क्लाइंट. अंडरस्टूड? तो ये लिटिगेशंस, नहीं तो काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही बंकर बन के बैठे है. अप्रोक्सिमेटली 15-20% प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर वैसे ही है. ठीक है, अभी थोड़ा उसमें सुधार आ रहा है थैंक गॉड, कुछ गवर्नमेंट के चेंजेस के पॉलिसी के तरफ एक्चुअली कुछ चेंजेस हो रहे हैं. एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से भी होता है. एलएनटी है फॉर एग्जांपल मुंबई में, एक जो उसका मेट्रो का एक जो प्रोजेक्ट था एक्चुअली उसमें कुछ गार्डन या ऐसा कुछ था, बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आया था. तो एनवायरमेंटल इश्यूज है, प्रोजेक्ट रुका है किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से. तो मैं क्यों उसका, मैंने तो इधर पूरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स मटेरियल लेबर ये सब डाला, पूरा डाल के बैठा हूं मैं, उनको खाने पीने के लिए क्या दे दूंगा? तो ये सारी चीजें जो एनवायरमेंटल जो इश्यूज है उसके अंदर वो असेसमेंट भी पहले करना है. ठीक है, प्रॉपर्टी है किस तरीके से, इट शुड बी मॉर्गेज उसका कुछ रहेगा आपका, हाँ ऑपरेटिंग लीजेस किस तरीके से लीज करके आप दे देंगे, प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर्स वगैरह वो सब कुछ. ठीक है, तो इसका गैप एनालिसिस, अलग अलग टाइप के जो टूल्स है, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, आपकी कंपनी का क्या क्या स्ट्रेंथ है या प्रोजेक्ट का स्ट्रेंथ क्या है, इसकी इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. ये प्रोजेक्ट आने के बाद मेरे पास ऐसे 10 अलग अलग प्रोजेक्ट आ जाएंगे अपॉर्चुनिटीज. वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, तो ये किस पर्टिकुलर में, थ्रेट्स को पहले आपको इरेडिकेट करना है, आपको फोकस ये दोनों चीजें करनी है. एंड यू प्लीज मेक श्योर कि इधर आपका ये जितना कम हो सके, थ्रेट तो होना ही नहीं चाहिए, थ्रेट तो प्रोजेक्ट के अंदर थ्रेट तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो एक सिंपल चीज प्रोजेक्ट को पूरा लॉस में लेके जा सकती है. ठीक है, और इसका जो PST एनालिसिस है, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी सोशल एंड टेक्नोलॉजी, इसका एनालिसिस भी किस तरीके से आप करेंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इसको गैप एनालिसिस जो थ्रू द स्वॉट एंड PST पेस्ट एनालिसिस जो बोलते हैं उसका ये चीज है. स्वॉट एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सप्लायर्स कॉम्पिटिटिव राइवलरी क्या है, काफी सारी चीजें रहती है उसके अंदर. मार्केट एनालिसिस के अंदर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपको निकाल के इसी दूसरे को रख दिया, बायर्स पावर क्या है, सप्लायर पावर क्या है, वो सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर स्वॉट एनालिसिस के अंदर मिलता है. फिजिबिलिटी स्टडी एंड बजटिंग, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ते हैं कि व्हेन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, व्हेन टू डू व्हाट, व्हाई टू डू व्हाट, टू डू हाउ टू डू, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिजिबिलिटी स्टडीज, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है. इज इट फिजिबल प्रोजेक्ट के अंदर, फिजिबल है या नहीं है? डायमंड का मुझे डोम चाहिए, फिजिबल है, बहुत पैसा बहुत है सब कुछ है, फिजिबल है. ठीक है, तो इज इट रियली नेसेसरी, व्हाट इज द ROI, रिटर्न्स क्या मिलेगा उसको. ठीक है, तो ये कुछ जो चीजें है एक्चुअली फिजिबिलिटी स्टडीज के अंदर. हाँ हाँ या सॉरी बेसिकली डेटा, हाँ ये सारा जो डाटा है आपको पहले करा के लेना है, तभी आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो. नहीं तो फिर आप वैसे ही साइट इंजीनियर साइट सुपरवाइजर उधर ही झगड़ते फिरते, वी कॉल इट एज फुल रोटेशन, उधर एक दूसरे का टकराव फ्रिक्शन काफी सारी चीजें रहती है. की एलिमेंट्स ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी क्या क्या है, ये सारी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, बजट है, रिस्क है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, टाइम शेड्यूल है. ठीक है, बजटिंग किस तरीके से उसका बजटिंग होता है, कैपेक्स ओपेक्स क्या क्या है, व्हाट इज कैपेक्स एक्चुअल, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या क्या है, ओपेक्स इज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या क्या है, डे टू डे आपको खाने के लिए जीने के लिए आपको जो एनर्जी लगती है वो, एंड एक रिजर्व एनर्जी, कोई मान लीजिए सामने शेर दिखा या कुछ कुत्ता दौड़ा आपके पास, यू आर हैविंग अ थ्रेट अबाउट समबडी, तो आपके पास एक रिजर्व कैपिटल भी होना चाहिए, आप दौड़ा उधर से. ठीक है, तो ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर जो आपका कैपेसिटी है एक्सपेंसेस का, और एक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उसका कैपेसिटी है. ठीक है, तो काफी सारे बजटिंग के अंदर भी ये कैपेक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है,
कितना है, कितना परसेंटेज आपको क्या क्या होना है, ठीक है। तो बजटिंग के लिए ये कुछ सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, व्हाट इज बेसिकली दिस इज टीसीओ, टीसीओ इज इक्वल टू कैपेक्स प्लस ओपेक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, दिस इज बेसिकली द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो आपके पास कितना पैसा है, क्लाइंट को पूछो आप डायरेक्टली, आपके बॉस को, भैया आपके पास क्या क्या इस पर्टिकुलर फेज में। आई टेल यू, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ इसके अंदर, एक 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 प्रोजेक्ट का हम लोगों ने एक ये बनवाया था, कैश फ्लो। कैश फ्लो किस तरीके से एनालिसिस होता है, हर एक टाइम पे आपके पास किस तरह, कितने लाख रुपए का ये होना चाहिए, अलग अलग आपका कैश फ्लो इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए, क्यूम्युलेटिव इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर फेज में, इस पर्टिकुलर फेज में कैश है ही नहीं हाथ में, तो प्रोजेक्ट तो लुट गया आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्लान रिस्क मैनेज किस तरीके से आप प्लान करेंगे उसको, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिस्क, परफॉर्म द क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस ऑफ डिफरेंट नेचर एक्चुअली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क प्लान रिस्पॉन्सेस। किस तरीके से आप रिस्क को प्लान करेंगे और उसके रिस्पॉन्सेस क्या रहेंगे, करना आ गया क्या करेंगे, वो क्लॉज रहना चाहिए, फोर्स मेजर्स का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहना चाहिए। तो जो भी रिस्क है उसकी असेसमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। मॉनिटर को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे रिस्क को, मोंटे कार्लो सिमुलेशन बहुत ही बढ़िया सिमुलेशन रहता है। प्लीज रीड दिस लाइन, लेट्स से वी डोंट नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल टेक, वी हैव अ रफ एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ ईच माइलस्टोन एंड और एक्टिविटी, यूजिंग दिस वी कैन डेवलप द बेस्ट सिनेरियो ऑप्टिमिस्टिक एंड वर्स्ट केस सिनेरियो पेसिमिस्टिक ड्यूरिंग ड्यूरेशन फॉर ईच टास्क। यानी आपका कितना ऑप्टिमिस्टिक, यानी कम से कम इसमें इतना प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट होना ही है, अगर लॉस हो गया तो भी उतना है, जो उसको हम लोग शेयर मार्केट के अंदर भी स्टॉप लॉस बोलते हैं, ऊपर जाएगा तो इतना जाएगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो खाली इतना होगा, इसके अंदर से निकल जाना, नहीं तो घाटे में तो पूरे भैया पूरे पैसे। यानी मेरे तो कुछ ऐसे लोग मैंने देखे है कि बैंक से कर्जा लेके शेयर के अंदर डाल के पूरा दिवाला होके बैठे, ठीक है। तो ये तो शेयर इसका हो गया, इसमें तो हजारों लाखों रुपए रह गए, प्रोजेक्ट्स के अंदर तो भैया करोड़ों के हिसाब किताब रहते हैं, भैया कंपनी बैठ गई तो उठ ही नहीं पाएगी, कंगाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट जो है उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो ये सारे एनालिसिस का पूरा नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग मराठी में बोलते हैं लाखाचे 12,000 करना, यानी 1,00,000 रुपए का 12,000 होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, इमिडिएटली हो जाएगा, ओके। पैसा कमाने के लिए, बचाने के लिए आपको ये सारे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लान ड्यूरेशन, अभी इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका सपोज 1 करोड़ का, सिंपल एग्जांपल है, 1 करोड़ का, आपके पास 10% आपने प्रॉफिट रखा, जिसमें आपका 10,00,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो आपका 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है, कितना ईयर्स का है, 5 साल का ड्यूरेशन है। तो 5 साल का ड्यूरेशन के अंदर 10,00,000 आपने कमाया, 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर आपने कमाया कितना, 10,00,000 रुपए, यानी ईयरली कितना कमाया, 1,00,000 रुपए कमाया, ईयरली कितना कमाया, 1,00,000 रुपए, महीने के हिसाब से करेंगे तो कितना कमाया, 10,000 से 12,000 रुपए कमाया। 1 करोड़ के पीछे आपने कितना टाइम एफर्ट्स डाला, कितने खर्चे किए, कितना ये हो गया, और 5 साल के अंदर 10,00,000 अगर कमाने का जो नजरिया है, यानी जनरली 6-7% इन्फ्लेशन ही है, यानी आपके पास अगर जेब में 100 रुपया है तो 1 साल के बाद आपके पास 94 रुपीज ही बचता है, अगर 100 रुपए का रुपीज का वैल्यूएशन ही डिग्रेड हो रहा है साल के अंदर 5 से 6 रुपया, तो 5 साल में कितना डिग्रेड हो गया और आपने कमाया कितना। इट इज बेटर नॉट टू डू दिस प्रोजेक्ट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी है वो बहुत गहन सब्जेक्ट है, आप इसके अंदर जो डिपॉजिट रखेंगे ना,
एक कुछ जो EMD बोलते हैं, जो डिपॉजिट वो आप रखेंगे ना, वो भी उसका भी एक रुपया आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से. तो इट इज बेटर नॉट टू डू द प्रोजेक्ट. चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट एट द वेरी इनिशियल फेज ऑफ यू नो योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने APMC के थ्रू हम लोगों ने ये सारे कुछ चार्ट ये वो सब बनाए हैं. अगर आप जो उम्दा स्टार्टअप जो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में जो भी लेस देन 100 crore का आपका अगर टर्नओवर है, तो ये सारी चीजों जानना बहुत जरूरी है. L&T जैसी कंपनी बड़े बड़े जो अप एंड डाउन से उसको सह पाएगी, हाँ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों करोड़ों में जाता है, लेकिन आपकी अगर कंपनी 100 crore के नीचे अगर है तो आपको बहुत कॉशियसली आगे बढ़ना है, तब भी आप प्रॉफिट में जा पाओगे. नहीं तो एक ही प्रोजेक्ट आपका पूरा कंपनी को दिवाला करने के चांसेस रहता है. ठीक है, तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है रहता है. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम आफ्टर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. यानी जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक क्या है, मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन डेट्स कितना होगा, मीन वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, क्या क्या उसके कैलकुलेशंस रहते हैं, वो सारे कैलकुलेशंस और उसका रिस्क एनालिसिस होना बहुत जरूरी है. ये रिस्क एनालिसिस फेज बाय फेज क्वार्टरली होना जरूरी है. इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डू नॉट थिंक यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, थिंक दैट यू आर अ पब्लिक लिमिटेड. ठीक है, तो एवरी आफ्टर 3-3 months क्वार्टरली जो है आपका एनालिसिस तैयार करो. ये महीने में कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, जो भी ऑन टेबल होना चाहिए. कंसीडर दैट यू इवन इफ यू आर MD ऑफ अ कंपनी, यू आर अ सर्वेंट टू द कंपनी. इनडायरेक्टली इट इज लाइक दैट. प्राइवेट लिमिटेड जो डायरेक्टर रहते हैं वो भी सर्वेंट ही रहते हैं कंपनी के. ठीक है, तो आपको सैलरी कितनी लेनी है, क्या लेनी है, क्या क्या पूरा असेसमेंट है जो है ना, वो एक पेपर के ऊपर आप कच्चा डेटा सामने रखो, उसका पूरा डिटेल में आप जो है डिटेल में उसका एनालिसिस करो, और देन यू वर्क इट आउट कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है. डेवलपिंग अ डील स्ट्रक्चर, किस तरीके से डील करेंगे उसको, फ्रेम लीगल फ्रेमवर्क, फिजिकल एनालिसिस, फिजिकल स्पेस, पॉलिटिकल रिस्क क्या रहेगी, उसके अलग अलग टाइप्स के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे, वो सारे फैक्टर्स, लोकल कंडीशंस, दीज आर वी कॉल इट एज लोकल कंडीशंस, प्रोजेक्ट मोडालिटीज फॉर पब्लिक, फुल्ली फॉर पब्लिक, पब्लिक कॉर्पोरेट, ज्वाइंट वेंचर्स, क्या क्या मॉडलिटीज क्या क्या है, ये सारी मॉडलिटीज को आपको ध्यान में रखना है. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लीजिंग गो फॉर द फ्रेंचाइज, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉर्पोरेट दिस थिंग्स एक्चुअली गो फॉर द आउटसोर्सिंग. जैसे L&T एक प्रोजेक्ट ले लिया, इंस्टेड ऑफ वी डूइंग द प्रोजेक्ट जस्ट आउटसोर्स इट, उसका पूरा शेयर वो ले लेती है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को ऐसे ऐसे लगा ये दे देती है, एंड दे डू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. दिस वी कॉल इट एज द प्रोजेक्ट मोडलिटीज. आउटसोर्सिंग किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है, नहीं तो आप साइट इंजीनियर रहोगे. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के एनालिसिस, ये पूरी स्लाइड्स हम लोग नहीं दिखा पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि वीडियो शायद 2-3 घंटे का हो जाएगा. ठीक है, फंडिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट फाइनेंसेस क्या क्या है, क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डेट फाइनेंसिंग एंड अदर थिंग्स. ओके, सो ऑल दिस डाटा एक्चुअली एनालिसिस इज व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू. फॉर दैट यू रिक्वायर डिफरेंट BIM सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूल्स ऑल्सो. खाली कोई लोग बोलते हैं सर मुझे तो रेविट आता ही है यार, मैं तो बन गया प्रोजेक्ट मैनेजर. डोंट डू लाइक दैट. ओके, रेविट मॉडलर इज बेसिकली यू आर अ CAD, अ सोफिस्टिकेटेड CAD टेक्नीशियन. रेविट से या कोई भी सोफिस्टिकेटेड टेक्ला है, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप टूल की तरह आप देखेंगे. ठीक है, मेरी बैट जो है बहुत अच्छी है, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं विराट कोहली से भी ज्यादा अच्छा बैटिंग कर सकता हूं. Am I right? खाली बैट इज अ टूल. यस, यू नीड अ गुड बैट, यू नीड अ गुड सॉफ्टवेयर टू लर्न, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन ऑपरेट इट मोर एफिशिएंटली. ओके, आपको पता है कि कुछ चीजें किस तरीके से वर्क होती, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो चीज आती है. आपको मालूम है कि किस तरीके से ड्राइविंग करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको ड्राइविंग आता है. हाँ, ध्यान से सुनना है, चार चीज़ बहुत ही थिन टाइनी थ्रेड रहता है. ठीक है, आपको मालूम है और आप कर सकते हो उसके बीच में. अगर आपको आप कर सकते हो तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल. हमारे रिकंस्ट्रक्ट में मास्टर स्टडी में हम लोग यही चीज सिखाते हैं कि आपको खाली मालूम है कि ये सारी चीजें किस तरीके से करनी, नहीं आपको मालूम भी है और आप कर भी सकते हो कॉन्फिडेंटली. ये इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं. तो ऐसे काफी सारे जो टूल्स हैं वो हम लोग सिखाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंक्रो प्रो करके सॉफ्टवेयर आता है,
यहाँ पे देखा आपने रेविट का जो मॉडल है वो मॉडल आपके सामने है, ठीक है। शुरुआत से मैं दिखा देता हूँ, ये जो साइड पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये ऐसे सिंपल साइड रहेगी। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं मैं। दीज आर बेसिकली द एक्टिविटीज, उसके ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट क्या रहेंगे। ये जो है सिंपल बार चार्ट है, अगर आपको उसको बड़ा करना है तो उसको नीचे करके बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्टअप होता है। ये पूरा मेरा प्लेन ग्राउंड है, कुछ भी नहीं किया, फिर धीरे 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 मैं क्या करने वाला हूं। आप किसी भी रेविट मॉडलर को इसको उसको लेके आप बुला सकते हो कि भैया ये मुझे चालू करना है, किस तरीके से ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं 4D 5D सिमुलेशंस। इसमें आप ट्रेन्स भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी चीजें कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको रिसोर्सेस वगैरह भी डालने होते हैं, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज भी डालने होते हैं, वो डाल भी सकते हो आप। इस यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज का पूरा ये रहता है, तो ये जो है वो प्ले हो रहा है। यहां से आप देखेंगे कि ये प्ले हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। तो हर एक फ्लोर्स का आपको इसमें नॉलेज आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर फेज में, जैसे यहां पे मैं आपको पॉज कर देता हूं, तो इस पर्टिकुलर फेज पे मेरा कॉस्टिंग क्या होना चाहिए, कितना कैश फ्लो होना चाहिए, वो है नहीं है, वेरियंस कितना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज ए टूल, यानी ये ऐसे मत पकड़ के चलो कि यार मेरे को अभी ये सॉफ्टवेयर सीखना है। नो, डोंट डू दैट। यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर तो बदलते रहते हैं, वर्जन टू विंडोज वर्जन 10 था, अभी 11 आ रहा है, पहले विंडोज 7 था, फिर 8.1 में गड़बड़ हो गया, गॉट इट। तो सॉफ्टवेयर जो है बदलते रहते हैं, सॉफ्टवेयर के प्यार में नहीं पड़ना है, सॉफ्टवेयर सीखने वो कंसिडर करना है कि वो एज ए टूल है, ठीक है। आपको अगर आपको सच में प्यार करना है तो प्रोजेक्ट के ऊपर आप कर दीजिए। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट यू नीड टू कंसीडर कि वो प्रॉफिटेबल में ही जाना चाहिए। प्रोफेशनल जो माइंडसेट है कि मेरा प्रॉफिट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, देन यू आर द विनर। अंडरस्टूड? सो ये सारी चीजें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप सीखते हो, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज में भी आपका ये जॉब लग जाता है। मैं आपको एक सिंपल एक चीज दिखा देता हूं कि ये हमारे मास्टर स्टडी के स्टूडेंट है, उन्होंने बनवाई है साइट, ये स्लाइड शो। मैं खाली दिखाने का काम कर रहा हूँ, ये इन्होंने ये मास्टर स्टडी करने के लिए आए थे, और कुछ लोग प्लेस भी हो गए और कुछ लोग प्लेस हो रहे हैं, तो उन्होंने बनवाई है। ये मेरा योगदान इसमें खाली चेकिंग करने का और रेक्टिफाई करने का, एंड माई टीम ऑल्सो हैज हेल्प देम टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, क्या क्या उसमें असेंबली है, किस तरीके से क्या क्या, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ से ऊपर है। तो ये प्रोजेक्ट लोकेशन है मुंबई का, जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जो उसका लिंक करने के लिए ये रोड बनाने का प्रोजेक्ट है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, किस तरीके से उसका बचत होगा, तो ये फिजिबिलिटी स्टडी हो गया। ओवरऑल प्रोजेक्ट मॉडल कैसा होगा, किस तरीके से दिखेगा, आजू बाजू वाली जो बिल्डिंग्स है वो किस तरीके से होगी, ये मॉडल किया हुआ है लोगों ने, मास्टर स्टडी के स्टूडेंट ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल किया हुआ है, ठीक है। तो ये रोडवे इसका पूरा सबमिशन, यानी ये ऐसे मॉडल को पकड़ के बैठे नहीं है, उसका पूरा डिटेल में सबमिशन की देन नाउ किस तरीके से होगा, क्या क्या उसका फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, पाइल्स, पियर्स, उसका जो पियर की जो कैप है, पाइल कैप है, किस तरीके से डेकिंग सिस्टम्स भी होंगे, गर्डर्स भी होंगे, लैटरल सिस्टम्स क्या होगी, घाटकोपर में कितने सारे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएगा। तो ये ई कंस्ट्रक्ट्स के अंदर एक्चुअली ये सारे लोगों ने ये चीज बनवाया है, कहाँ पे कितने टूल्स रहेंगे, बूथ रहेंगे, ये जो टोल कलेक्शन के बूथ कहाँ पे रहेंगे, ओके, उसका पूरा ये जो कौन कौन काम करेगा उसके ऊपर क्या क्या उसके अंदर रहेगा, फर्स्ट टोल प्लाजा, उसका ये टिकट रहेगा, उसका ये बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये टिकट रहेगा और उसका ये बार कोड के हिसाब से वो चलेगा, और क्या क्या फेयर होगा उसका, उसका कॉस्ट एनालिसिस पूरा डिटेल में, फाइनेंस एनालिसिस पूरा डिटेल में, वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट पर ईयर क्या क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, अर्निंग पर ईयर क्या क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, ये कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एज पर RBI गाइडलाइंस, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट क्या क्या है, हाँ, तो ये कर उसका इन्फ्लेशन का वो भी कॉस्टिंग के अंदर ऐड कर दिया कि प्रॉफिट के अंदर मेरे को नेट प्रॉफिट होना है, ठीक है ना।
हाँ, तो ये ट्रैफिक पूरा स्टडीज करके ये पूरे एनालिसिस का ये पूरा डाटा हम लोगों ने बनवा के ले लिया है, लोगों ने बनवाया 60 किलोमीटर पर आवर ये करके ये प्रेजेंट ये जो लाइन है वो किस तरीके, ये देखिए एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे, उसका ट्रैफिक एनालिसिस, रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रैफिक एनालिस्ट बाहर से रहता है, लेकिन हम लोग सारी चीज लोगों को समझा देते हैं यहाँ पे कि उसका ट्रैफिक का एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। हाँ, तो ये उसके भी काफी सारे फॉर्मुलेशन रहते हैं, कहाँ पे क्या करेंगे वगैरह, वो भी हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये भी एक ट्रैफिक एनालिसिस है, देखिए ये। हाँ, तो किस तरीके से आपका ये अलग अलग टाइप का जो इंटरसेक्शंस है वो किस तरीके से 20 ईयर आफ्टर 50 ईयर्स क्या होगा, यानी ट्रैफिक जिस तरीके से, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, तो आफ्टर 20 ईयर्स आफ्टर 50 ईयर्स क्या उसका हो जाएगा, ये कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि 50 ईयर्स के बाद ये तो यार इट इज नॉट इनफ, एक्चुअली ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ऑलरेडी यू नो दैट मुंबई इज हाउ मच क्राउडेड इट इज। हाँ, टनल के अंदर ये टनलिंग का भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, एक के अंदर एक जो रूट है उसका टनल्स के अंदर भी जाता है, तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी कैमरास लेके ट्रैफिक लाइट्स को लेके स्ट्रीट लाइट्स साइन बोर्ड्स और ये सारी चीजें जो है वो उन लोगों ने किस तरीके से प्लान आउट किया हम लोगों ने बता देता हूँ। ये सारे हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड ऑल एक्चुअली कि किस तरीके से ये सारे प्लानिंग हो जाएंगे हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स के जरिए। ओके, नॉइस डस्ट पोल्यूशन रेडिएशंस टॉक्सिक मटेरियल्स हीट्स सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अडॉप्ट करने वाले हैं ताकि ये सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि टनल भी है ओवरब्रिज भी है एग्जिस्टिंग ट्रैफिक ये भी है, तो ये फिजिबिलिटी के हिसाब से ये सारी चीज़ें बनवाई गई है, ठीक है। तो डिमोलिशन के लिए ये करने के लिए अभी ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से किया हुआ है। ये ओवर ब्रिज है, बीच बीच में इंटरसेक्शन आ रहे हैं। इंटरसेक्शंस कहाँ पे कौन से इंटरसेक्शंस हैं? सारे चीज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बनवाया है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो इंजीनियर्स है उनके नाम है, ओके। तो उन्होंने अपने बलबूते पे ये सारी चीज की, हम लोगों ने गाइड किया ऑफ कोर्स, ओके। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू वर्क इन ई कंस्ट्रक्ट, अंडरस्टूड। सो दिस इज द एंटायर पोर्टफोलियो
मेकिंग, अगर ये पोर्टफोलियो, अगर हम ये एनिमेशन वगैरह क्या प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्री में नहीं करता है, वो करा के लेता है, लेकिन उसको पता है कि किस तरीके से भैया ये नहीं बना है, ये नहीं बना है, उसको मालूम है. ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर इज ओनली द कंट्रोल ऑन द साइट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, इट इज ओनली द कंट्रोल. अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर ही नहीं हो, मैं ये समझता हूँ. ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरी जो लाइफ साइकिल है एज ए फ्रॉम द साइट इंजीनियर, साइट कोऑर्डिनेटर, आप किस तरीके से आगे जाएंगे. अगर ये पूरा अगर आपके पास नॉलेज है तो कितनी सारी कंपनीज है, मैं कंपनीज के नाम भी दिखा देता हूँ, आप किधर भी ट्राई करिएगा, जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत हाई हो जाएंगे. तो ये सारी कंपनीज है, कोई बोलेगा कि ये नॉलेज लेने के बाद फिर कहाँ पे जाए, तो ये सारी पब्लिक सेक्टर्स की प्राइवेटली भी इसकी कंपनीज है, BHEL हो गया, BPCL हो गया, फिर गेल, HPCL, IOCL, ये सारी PSU कंपनीज. वो बोलेंगे यार PSU कंपनीज में तो मुझे मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज है, एफकॉन्स, आईकॉम, जेकॉब्स, रैम्बल, रैम्बल के अंदर आई एम द एक्सएम्प्लॉय ऑफ रैम्बल ओनली, तो मैट मैकडोनाल्ड है, गैमन इंडिया है, गैमन इंडिया इट इज ओनली दे आर डूइंग ओनली ब्रिजेस, हाँ, तो इधर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एटकिंस है, काफी सारी कंपनी जो है, इसको आप वीडियो पॉज कर सकते हो. ये मैंने 12W12M में भी ऐसे स्लाइड्स कुछ बताए, वो भी वीडियोस आप देख सकते हो, जिसके काफी सारे लिंक्स हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलेगी. कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सीखने के बाद जॉब नहीं मिलेगा, ये काफी सारी जो कंपनीज है, अल्फुतम दुबई में जाएंगे तो इमार करके बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर भी आप जा सकते हो. लोकल जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, L&T मैंने जानबूझकर यहाँ पे नहीं डाला, लेकिन काफी बाकी के कंपनी, क्योंकि वो कंपनी काफी से लोगों को मालूम है, TC है, NCC, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन है, शापुरजी पालनजी, HCC, एफकॉन्स, JSW, एयरकॉन, बहुत सारी, URC इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी टू होम वी आर वर्किंग. सो लॉट मैनी डिफरेंट कंपनीज आर देयर. एक्चुअली आपको जॉब मिलने का ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में. हाँ, यस, तो आई थिंक ओवर टू यू श्रद्धा मैम. सो बेसिकली जो जितने भी साइड इंजीनियर्स कॉल करके कह रहे हैं कि हमें लेबर वाला फीलिंग आ रहा है, और ये जो जितने जो भी हमने डिस्कस किया कि इतने सारे जो खराब फीलिंग है, जो ग्रोथ नहीं है ऐसा लग रहा है उसका, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ ना होने का मेन कारण यह है कि सिविल इंजीनियर्स को खुद को एक अपने अलग लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा, ऑटोमेशन लेकर आना पड़ेगा इस लाइन में, क्योंकि विदाउट ऑटोमेशन बहुत मुश्किल है. एज अ साइट इंजीनियर अगर आप किसी भी साइट पर काम कर रहे हैं तो बस कुछ सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आपको भी लेबर वाला फीलिंग आ रहा है कि क्या एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है कि आपका साइट विद इन द स्केड्यूल चल रहा है, अहेड ऑफ स्केड्यूल चल रहा है या बिहाइंड द स्केड्यूल चल रहा है, या ऐसा सवाल पूछ के देखिए कि आपका कॉस्टिंग, आपका बजटिंग, क्या ये सारे नंबर्स आपको ऑन द फ्लाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आपको टिप्स के ऊपर पता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, या इन टर्म्स ऑफ यू नो टाइम मैनेजमेंट, एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है एट द सेम टाइम. तो ये सारी चीजों को ऑन टिप्स, एक्यूरेट डेटा आपके पास है कि नहीं. So to sum up this video, I would say कि data is your strength. आपको अगर डेटा पता है अगर आपके पास सिस्टमैटिक डेटा है तो डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और चांस ही नहीं है कि आप लेबर की तरह फील करेंगे साइट के ऊपर, और आपका रुतबा भी आप बढ़ेगा, आपका रिस्पेक्ट भी लोग ऑटोमेटिकली करेंगे, और जॉब में डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर को भी लगेगा कि यार इसके बिना मेरा प्रोजेक्ट बहुत खराब हो सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है मेरे लिए. तो आपको बेसिकली ऐसे टूल्स सीखने पड़ेंगे जो आपको प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन लाने के लिए हेल्प करेंगे, और डेटा को, एक्यूरेट डेटा को ऑन टिप्स आपके पास रखेंगे. अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली आपको लेबर वाली फीलिंग नहीं आएगी. इसके अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये जो कोर्स है मास्टर स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद BIM टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज सीखने को मिलेगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. तो ये सारी चीज़ें आपको जो है, ये काफ़ी लिमिटेड चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही मिलेगी. आउटलाइन है ये. आउटलाइन है. पहले तो है कि BIM कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए, BIM रिलेटेड, क्योंकि BIM टेक्नोलॉजी थ्रू, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म. आपने मोदी जी की बात भी सुनी रहेगी, जो पॉलिटिकल आज हमारे प्रधानमंत्री है, जो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी अब एडवांसमेंट, जर्मनी देखिए, जापान देखिए, अलग अलग कंट्रीज कितनी आगे बढ़ रही है. जापान का जो एरिया है
वो अपने महाराष्ट्र से कम है, ठीक है, लेकिन द इकोनॉमी इज बिगर देन इंडिया. अंडरस्टूड. पॉपुलेशन वाइज ऑल्सो वी आर बेसिकली सेकेंड पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, बट स्टिल इफ यू सी दोज स्मॉल स्मॉल कंट्रीज, यू कैन लुक इन टू द जर्मनी ऑल्सो. द एरिया जो है उनका, जो जोग्राफिकल एरिया, ऐसा नहीं विस्तारवाद जो चाइना ये कर रहा है उससे ही प्रगति होती है, ऐसा नहीं है. आपका एरिया जो है, आपके पास लैंड कितनी है उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उस लैंड में आप करते क्या हो वो बहुत जरूरी है, उससे आप बहुत आगे चले जाते हो. कॉन्सेप्ट ये हम लोग यही बताते हैं यहाँ पे कि BIM कॉन्सेप्ट से, यानी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होने की वजह से आपको 2D 3D 4D 5D 6D 7D तक आपको नॉलेज आ जाता है. ये काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर इसके अंदर कोड तो है नहीं, लेकिन ISO है, BS 1192 2007 कोड है, PS 1192 है, ये जो कोड है 2013 वाला, ये कोड भी हम लोग आपको उसके इंफॉर्मेशन भी बता देते हैं. ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोग दिखा देते, बता देते आपको. आर्चिकैड जो है वो खाली आर्किटेक्ट लोगों को बता देते हैं, लेकिन रेविट यानी ऑटोडेस्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ज्यादा भर देते हैं, वेटेज दे देते हैं, क्योंकि विच इज वाइल्डली जॉब ओपनिंग्स काफी सारे रहती है उसमें, ठीक है. तो नेविसवर्क्स या सॉलिब्री, सिंक्रो प्रो या डायनामो या MSP और प्राइमावेरा, तो ये सारी चीजें इसमें हम लोगों ने EPMC भी ऐड किया हुआ है. ओके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप इसके अंदर सीख लेते हो. एडवांस में हम लोगों ने कुछ टेक्ला वगैरह और सॉफ्टवेयर्स भी रिसेंटली ऐड कर दिए है, जो आपको एज एन एड ऑन करके आपको अगर सीखने हैं तो सीख सकते हैं, ठीक है. लेकिन हम लोग हमारी तरफ से तो हम लोग आपको वो वीडियोस वगैरह दे देते हैं. इसमें बार चार्ट, गैंट चार्ट, ये जो है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, फंडामेंटल जो है, किस तरीके से आप बार चार्ट करेंगे, गैंट चार्ट करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, पर्ट मेथड किस तरीके से, शेड्यूलिंग एंड बेसलाइन किस तरीके से होगा, शेड्यूलिंग एंड बेसलाइन आपका किस तरीके से होगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किस तरीके से होगा, IRR रेशियो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो किस तरीके से होगा, स्मॉल विलाज प्रोजेक्ट, हाई राइज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, क्लस्टर प्रोजेक्ट, अभी इसमें मैंने तो ऐड किया ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अपने मैंने आपको दिखाया. तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट जो है जितना हम लोग दिखा रहे उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा. PPS सेशन जो है वो भी ऐड कर दिया है, जिसमें प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज रहती है, काफी अच्छी सीरीज रहती है उसमें, कि आपको आपका जो नॉलेज है, आपका जो पोर्टफोलियो है, किस किस ढंग से आपको एम्प्लॉयर को बताना है, समझाना है, किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो काफी सारी चीजें हम लोग आपको बता देते हैं यहाँ पे. तो प्लीज मेक श्योर कि आप 22nd ऑफ नवंबर हम लोग एक बैच चालू कर रहे हैं, जो पहली बैच है आफ्टर कोरोना, ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन में है, और वो हम लोग चालू कर रहे हैं. ओके, तो आप प्लीज, आपको खाली क्या करना है, बैग पैक करनी है और बैंगलोर आना है, ठीक है. व्हाट टाइम, कितना टाइम आपको देना है, 6 to 7 months, इतना ही टाइम देना है, 7 महीना पकड़ के चलिए, 7 months. हाँ, तो अपने कॉलेज को कितना दिया है, कम से कम 4 साल, या कुछ लोगों ने 6 साल, मान लीजिए 4 to 6 years आपने दे दिया है. मैं आपको 6 to 7 months मांग रहा हूँ, 6 से 7 महीना खाली आपको बैक पैक करके यहाँ पे 22nd ऑफ नवंबर को आना है. आपको आते ही ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे, क्या रहेंगे, ऐसा होगा नहीं. यहाँ पे आएंगे तो कम इनिशियली 4 दिन का आपका रिसोर्ट के अंदर बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है. तो उस बुकिंग के अंदर आप वर्कशॉप करेंगे, मज़े भी करेंगे, एंड यू विल मेक श्योर कि ये वर्कशॉप के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे. ऐसा नहीं है कि 4 दिन हो गया फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू कंप्लीट द कोर्स थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस, यू कैन कन्वर्ट इट इन द ऑनलाइन, या आपको यहाँ पे रह के भी काम यानी वो कोर्स कंप्लीट करना है तो यहाँ पे रह के इस पर्टिकुलर कोर्स को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है. तो ये अब हमारा कोर्स भी है और इन्फॉर्मेशन भी है. तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली, एक आइडिया मिला, एक डायरेक्शन मिला होगा कि किस तरीके से इसे आप आगे लेकर जा सकते हैं. और हमारा जो मास्टर स्टडी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हम ये सब कुछ सिखाते हैं. उस कोर्स का नाम है मास्टर स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद BIM टेक्नोलॉजी. उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, या फिर आप हमारे नंबर्स जो दिए गए हैं स्क्रीन पे इसके ऊपर कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी.
तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे साइट इंजीनियर्स अपनी अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपनी अच्छी मार्केटिंग ब्रांडिंग करेंगे और आने वाले कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे उभर के निखर के सामने आएंगे. क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए, यू आर द वन हु आर गोइंग टू सुपरवाइज एंड सी द स्ट्रक्चर कमिंग अप. आई मीन इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू आर सीइंग द आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स, ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स जिसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं. तो अपने आप को प्लीज लेबर जैसा फील मत कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और अपग्रेड करके प्रोजेक्ट मैनेजर की नेक्स्ट लेवल पे अपने करियर को लेकर जाइए. सो इसी के साथ वी विश एंड प्रे दैट यू मेक अ सक्सेसफुल करियर इन द सिविल इंडस्ट्री. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय बाय.